गाइस अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी महनू, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का व्लॉग बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप लोगों ने इस व्लॉग के साथ जुड़े रहना है। आज मैं कहाँ जा रही हूँ, आज मैं जा रही हूँ अपने लिए सैंडल परचेज करनी थी, डॉलमेन मॉल जा रही हूँ, तो आप लोगों ने मिस नहीं करना है। और मैं कहाँ कहाँ जाऊँगी और क्या क्या मैंने परचेसिंग करनी है, बच्चों की तो सारी ए टू जेड शॉपिंग हो गई थी, जस्ट मेरी रह गई थी। तो मैंने कपड़े लिए थे वो थोड़ा सा मैंने चेंज करवाना था, घर पे आकर मैंने पहनकर चेक किया था तो थोड़ा सा ना ख़राब था ड्रेस, तो मैंने सोचा कि मैं जाके डॉलमेन मॉल वापस जाऊं और जिस आउटलेट से मैंने लिया है विन सही से मैंने परचेज़ किया था, तो मैं वहां जाके एक्सचेंज करने जा रही हूं। सेकंड, अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइस फाइनली हम लोग तारिक रोड पर पहुंच गए। सबसे पहले मैंने सैंडल परचेज़ करनी थी, तो मैंने सोचा मैं सैंडल ले लेती हूँ, हस्बैंड मेरे साथ थे और छोटा बेटा मेरे साथ था। तो सबसे पहले मैं स्टाइलो के अंदर गई हूँ और क्लिप बनाते हुए, मतलब अलाउड नहीं है तो फिर भी मैंने क्लिप आउट थोड़ा बहुत कर लिया था। अब यहाँ पर जो मैं सैंडल का कलेक्शन देख रही हूँ, ये एक सैंडल मैंने निकलवाई थी, ये मुझे पसंद आई तो थी लेकिन इसकी जो समझ लें इतनी अच्छी वैरायटी नहीं लग रही थी। मेन के जो मेड थी वो बहुत मुझे चिपकी चिपकी सी लग रही थी और इतना अच्छा डिज़ाइन मुझे नहीं लग रहा था। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा क्लिप आउट किया, मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि स्टाइलों के जो डिज़ाइन है ना, आज से 10 साल पहले भी मे स्टाइल ऐसे ही थे, आज भी ऐसे ही हैं, मेन के काफ़ी ज़्यादा तो मैंने डिज़ाइन इसमें से कैरी किए हुए हैं। यहाँ पर कुछ समझ नहीं आ रहा था, फाइनली हम लोग ऊपर गए हैं और ऊपर जाने के बाद फर्स्ट स्टेप में डबल शॉप्स बनी हुई ना, नीचे ग्राउंड के ऊपर भी है और फर्स्ट के ऊपर भी है। यहाँ पे स्टाइलो के बाद मैं फर्स्ट स्टेप पे गई हूँ। फर्स्ट स्टेप पे जाने के बाद यहाँ पे कलेक्शन हमें थोड़े से बेटर नज़र आ रहे थे फर्स्ट स्टेप के ऊपर। पहले मैं पहनती थी किसी टाइम पे फर्स्ट स्टेप से, लेकिन काफ़ी टाइम से मुझे न्यू डिज़ाइन नज़र नहीं आए। तो यहाँ पर मेरे साथ मेरा बेटा अहमद था छोटा वाला, तो यहाँ पर मुझसे बातें कर रहा था। मैंने उन्हें डिज़ाइन कहा था कि एक सैंडल का दो सैंडल्स पसंद की थी, मैंने कहा निकाल के आप मुझे दिखा दें, ये मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ का काउंटर बना हुआ था। ये मैंने फाइनली मुझे सैंडल पसंद आ गई थी, ये मैंने अपने सूट के साथ परचेज़ की है। वाइट कलर मैं शुरू से बिल्कुल लाइट कलर के पसंद करती हूँ। एक और सैंडल हस्बैंड ने कहा अपने लिए ले लो, तो यहाँ पे जब मैंने दूसरा डिज़ाइन निकलवाया तो जो डिज़ाइन निकलवाऊँ वो मेरे नाप का होता ही नहीं था, तो ये है कि वो ख़त्म हो गया। और हस्बैंड ने एक और सैंडल निकलवाई थी, खैर मैंने कहा ये तो बिल्कुल ही लोकल वैरायटी लग रही है, मैं इस टाइप की नहीं पहनती। खैर यहाँ पर हमें पसंद आ गया था। यहाँ पर बिल काउंटर के ऊपर हस्बैंड पेमेंट कर रहे थे, पेमेंट होने के बाद हम लोगों ने सोचा कि अब हम लोग डॉलमेन मॉल चलते हैं। यहाँ से हम लोग वापसी में उतर रहे हैं, ये छोटा मेरा अहमद आप लोगों को नज़र आ रहा है और ये मैं बाहर को निकल रही हूँ। फर्स्ट स्टेप में नीचे में बैग्स वगैरह हैं और ऊपर में लेडीज़ सैंडल्स वैरायटी है, नीचे जेंट्स भी है। यहाँ पे अब हम लोग बाहर को आ गए और यहाँ पर हमें ट्रैफिक का सामना देखने को मिल रहा था। रश तो बहुत ज़्यादा डॉलमेन में हो रहा है, ज़ाहिर ईद का दिन है तो बहुत ज़्यादा रश हो रहा होता है। यहाँ पे अभी आज थोड़ा सा कम था, रोज़े से पहले मैंने अपना ड्रेस जो था वो एक्सचेंज भी करवाना था बिन सईद से। ड्रेस जो था वो जब मैं घर लेकर आई हूँ तो कोने से उसका चाक उधड़ा हुआ था, मीन के थोड़ा सा एप्लिक उसकी उखड़ी हुई थी। तो मैंने कहा हस्बैंड को कि ये आप चेंज करवाएं, जाहिर है मैंने बहुत कॉस्टली लिया था, 8000 का ड्रेस मैंने परचेज़ किया था। अब यहाँ पे जब मैंने ड्रेस परचेज़ किया, अब जब मैं यहाँ पे रोज़े से पहले आई हूँ एक्सचेंज के लिए, तो उन्होंने कहा कि भाई अब हम आपको ड्रेस नहीं चेंज करके दे सकते, रोज़े के बाद आप आइएगा। काफ़ी फोर्स करने के बाद, काफ़ी उनको कहने के बाद उनके दिल में रहम आया और उन्होंने कहा चलें आप एक्सचेंज जल्दी जल्दी कर लें। टाइम क्लोजिंग का है तो अलाउड तो नहीं है, लेकिन फिर भी उनको रिक्वेस्ट करने के बाद उनके दिल में रहम आ गया। यहाँ पे मैं अभी क्या नाम है आपको ओवरव्यू करवा रही हूँ कि डॉलमेन मॉल अंदर से कैसा है। ज़ाहिर है बिन सईद वालों के आउटलेट के अंदर अलाउड नहीं था, वहाँ से खैर मेरा ड्रेस मैंने एक्सचेंज करवाया और उससे थोड़ा सा बेटर लिया। 12000 का मेरा ड्रेस आया और फाइनली वो बहुत ब्यूटीफुल था और ईद पर मैं आपको कैरी करके दिखाऊँगी। सैंडल तो मैंने आप लोगों को अपनी दिखा दी, यहाँ पर मैं अब आप लोगों को डॉलमेन मॉल का विजिट करवा रही हूँ। विजिट करवाने के साथ साथ आप लोगों ने अगर मेरे चैनल पर न्यू हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक लाजमी कीजिएगा और मेरा व्लॉग अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कीजिएगा, ताकि आप लोग मेरी ज़िंदगी के बारे में जान सकें कि महनूर अपनी लाइफ के अंदर कैसे जी रही हैं। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि काफ़ी प्यारे प्यारे डिज़ाइन हैं। मैं तो खैर डॉलमेन मॉल से शॉपिंग करती हूँ, तारिक रोड पे आती हूँ, बच्चों की भी तारिक रोड से ही करती हूँ, लेकिन ये है कि उनका टाइम ज़्यादा लगता है और आपके सामने रोज़ा होता है, रोज़े के अंदर तो बिल्कुल चला नहीं जाता।
और रोजे के बाद रश इतना होता है कि पैर रखने की जगह नहीं होती, समझ ही नहीं आता बंदा क्या ले और क्या ना ले। यहाँ पे घूमने के बाद खैर हस्बैंड ने बोला रोजे का टाइम हो रहा है, अफतारी से मैं पहले निकली थी, सॉरी रोजे का कह रही हूँ अफतारी का टाइम हो रहा है तो जल्दी कर ले। यहाँ से हम लोगों ने परचेसिंग करने के बाद फटाफट हम लोग यहाँ से बाहर को निकल रहे हैं। बाहर निकलते निकलते मैंने थोड़ा सा क्लिप आउट कर लिया ताकि आप लोगों को दिखा सकूं डॉलमेन मॉल में कौन कौन सी वैरायटी और कौन कौन से आउटलेट आप लोगों को देखने को मिलेंगे। यहाँ पे बोनेंजा, जे डॉट सब आउटलेट्स आप लोगों को ये तारिक रोड वाले डॉलमेन मॉल में नज़र आएंगे। जुनेद जमशेद और साया, बहुत से आउटलेट। खैर हमारी फाइनली शॉपिंग हो गई थी। अब हस्बैंड ने कहा जो छोटा मोटा सामान है वो आप मेरे साथ कल चल लीजिएगा, अभी तो मेरा काम का वक्त हो रहा है और अभी बिल्कुल मेरे पास टाइम नहीं है। अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया तो लाइक करना ना भूलिएगा और कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर 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 मुझसे डिस्कशन कीजिएगा कि मैं अपने व्लॉग को किस तरह बेटर कर सकती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा, मेरी शॉपिंग आप लोगों को अच्छी लगी होगी। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।